बेटा बहू, ओ बेटा बहू। जी माँ जी। बेटा बहू, रात से मेरी दाढ़ बहुत दर्द है, मुझे थोड़ा सा हलवा बना के ला दो, मैं रात भर सो नहीं पाई। माँ जी, कैसे बनाऊं हलवा, ना घर में घी है ना चीनी है, थोड़े पैसे मैंने इकट्ठे करके रखे थे, वो भी आपका बेटा चोरी से ले गया। अब मैं नरमे की चुगाई करने जाऊंगी, कुछ पैसे लेके आऊंगी, फिर घर में राशन लाऊंगी। बेटा क्या करूं, उसका शराब और जुए में उसने सारा पैसा बर्बाद कर दिया, आज और उसके हाथ पैसा लग गया, पता नहीं वो क्या गुल खिलाएगा। ठीक है माँ, घर का काम कर लूँ, फिर नरमे की चुगाई करने भी जाना है। ठीक है। अंधेरी रातों में और सुनसान राहों पर जब एक मसीहा निकलता, जिसे लोग शहनशाह कहते हैं, दो घुट पिला दे साकिया। और माँ कैसी है तू? मैं तो ठीक हूँ, तूने इतनी क्यों पी रखी है? छन्नो का है? अरे छन्नो, अरे छन्नो कहाँ मर गई तू? हाँ बोल, क्या बात है? तू ऐसा कर, मेरे लिए गर्मा गर्म रोटी, गर्मा गर्म सब्जी, टमाटर और प्याज का अच्छा सा सलाद लेके आ, मुझे भूख लगी है, हम खाना खाएंगे। ये सब बोलते हुए शर्म तो नहीं आती? किस चीज की शर्म? जल्दी कर, तो जल्दी प्रवचन मत कर, खाना ले गया। अरे ओ बेशरम, तुझे शर्म नहीं आती? जो ये बेचारी कमा के लाती है वो तो तू जुए और शराब में उजाड़ देता है और ऑर्डर चलाता है थानेदार जैसा। देख माँ, मैंने आपको नहीं बोला, मैंने शन्नो को बोला है, शन्नो को। और तू यहाँ बैठी बैठी मेरी बेइज्जती क्यों करवा रही है इस बुढ़िया से? अरे तुझे माँ की बातें बेइज्जती लगती है? शर्म कर, शर्म। ये वही माँ है जिसने तुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया, तुझे दूध पिलाया, तेरा गोमूत्र तक साफ किया, और तुझे इस माँ की बातें बेइज्जती लगती है? और इन्होंने तुम्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाया ताकि तुम इनके बुढ़ापे का सहारा बनो। इन्होंने सारी जिंदगी कमाया और तुमने जुए और शराब में सारा उड़ा दिया। बस बस, ज्यादा प्रवचन ना दे और जा मेरे लिए खाना लेके आ। देख बुढ़िया, ज्यादा प्रवचन मत कर, मेरी बीवी कमाकर लाती है, मैं खाता हूँ, तुझे कोई प्रॉब्लम? हाँ शाबाश बेटा, ये की ना तूने मर्दों वाली बात, तू किस काबिल है तुझे मैं अभी बताती हूँ। पता नहीं दोनों की दोनों कहाँ मर गई। ये ले सूट, ये ले चूड़ियाँ, तू तो मर्द नहीं औरतों से भी क्या गुजरा है? तुम्हारी ये मजाल कि मेरे को सूट और चूड़ियाँ बनाओ, रुक तुम्हारे को मैं बताता हूँ। चलो अब यहाँ से, वरना टांग भी तोड़ दूंगा। अरे लो, अपना ये अरमान भी पूरा कर लो, पर एक बात याद रखना, हम तो भीख मांग के भी कमा लेंगे, पर तो तुम्हें कोई भीख भी नहीं देगा, भीख भी नहीं ये मैंने क्या कर दिया, अपने ही यादों से अपना घर बर्बाद कर दिया। जा रहे हैं हम। माँ मुझे माफ कर दे, माँ मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे।
मैं आज के बाद दारू को हाथ नहीं लगाऊंगा, मुझे माफ कर दो। आज के बाद दारू मत पीना बेटा, दारू बहुत बुरी चीज होती है, ये घर बर्बाद कर देती है बेटा, दारू नहीं पीनी चाहिए। नमस्कार प्रिय दर्शकों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। दोस्तों, ये वीडियो हमने किसी की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाया, ये केवल एक मनोरंजन के लिए वीडियो बनाया है। शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसका सेवन ना करें। मैं सभी से यही अनुरोध करूंगा कि कोई भी नशा ना करे, नशा घर को बर्बाद कर देता है। नमस्कार।